इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शक्ति सिंह गोयल साहब। सर, बिहार में राजनीतिक अस्थिरता, क्या कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू नया सरकार गठबंधन बनाने की तैयारी में? देखिए, हमारी तैयारी को छोड़ो, आप जो घटनाक्रम है उसको देखो। ये भाजपा का चाल चलन और चरित्र आज के दौर में, उसका सबसे पुराना अलायंस अकाली दल, जब ज़रूरत होती है पांव पड़ के भी साथी बनाते हैं, और ज़रूरत ख़त्म करने पे पांव नहीं साथी का ही गला काटती है भाजपा। ये इतिहास अकाली दल का देख लो, शिवसेना के साथ क्या किया उन्होंने जम्मू कश्मीर में, जिनको गाली देते थे पीडीपी को, ए बाप बेटी ने बहुत लूटा है, अब नहीं लूटने दूंगा, और फिर पहले बाप के साथ फिर बेटी के साथ सरकार बनाई और ज़रूरत ख़त्म हुई तो उसी पीडीपी को डंप कर दिया। नीतीश कुमार जी की ज़रूरत थी, बिना नीतीश कुमार जी के भाजपा वहाँ कुछ नहीं कर सकती थी। लिया साथ, अंदरूनी ख़त्म करने की कोशिश भी की, और आज जो भी हो रहा है इसके लिए जिम्मेवार भाजपा है। तो ऐसे में क्या आप कांग्रेस भी जो अभी तक विपक्ष में थी, क्या वो सरकार बनाने की अगर कोई संभावना बनेगी कांग्रेस उसमें शामिल होगी? देखिए, अभी ये कहना बहुत मेरे लिए प्रीमेच्योर होगा, और इसके ऊपर हमारा वहाँ के प्रभारी, हमारे वहाँ का नेतृत्व की बात सुन के हाईकमान डिसाइड करेगा। हमारे लिए पावर नो पावर से ज़्यादा इस देश में बीजेपी जो कर रही है वो सामने देखने की ज़रूरत है। तो आपको लग रहा है कि बिहार की सरकार खतरे में है? भैया, मैं भाजपा को जानता हूँ, जब उसको लगेगा कि नीतीश कुमार को डंप करना है, स्वार्थ हमारा, खुदगर्जी ख़त्म हो गई, तो किसी का भी साथ छोड़ सकते हैं। इसका क्या इतिहास तो देख लो, अग्नि की साक्षी पे शपथ लेने के बाद भी वफादार नहीं रहते। साफ तौर पर शक्ति सिंह गोहिल जो हमलावर है, उनका ये कहना है कि बीजेपी की सरकार ऐसी रही है, जब तक जो ज़रूरत थी तब तक जो नीतीश का साथ दिया, और अब जो है उनसे साथ अलग करके भी अपनी राहें बना सकती है। यानी विपक्षी पार्टियां निश्चित तौर पर हमलावर हैं, और अब बिहार में नए राजनीतिक समीकरण की भी सुगबुगाहट तेज़ हो गई है। अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़, दिल्ली।